देश का सबसे पढ़ा लिखा 45 डिग्रियों वाला आईएएस, जिनका नाम डॉक्टर श्रीकांत जिचकर था। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। आज आपको एक खास खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। देश का सबसे पढ़ा लिखा 45 डिग्रियों वाला एक आईएएस जिनका नाम डॉक्टर श्रीकांत जिचकर था, उन्हें भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स कहा जाता है। उन्होंने करियर की शुरुआत एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में की थी, फिर नागपुर से एमडी की। उन्हें उस वक्त देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स कहा जाता था। उनके पास 20 से ज्यादा डिग्रियां थी। पहले वो आईपीएस बने, फिर आईएएस सिलेक्ट हुए। दोनों ही बार उन्होंने इन शानदार नौकरियों को ठुकरा दिया। 14 सितंबर 1954 के दिन जिचकर का जन्म हुआ था। लिम्का बुक ने उन्हें देश का सबसे योग्य व्यक्ति बताया था। श्रीकांत 1978 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठे। उनका सिलेक्शन भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस में हुआ। उन्होंने इसे छोड़ दिया, वो फिर इसी एग्जाम में बैठे। अब की बार उनका चयन एक आईएएस के रूप में हो गए। 4 महीने बाद ही उन्होंने इस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। वजह थी चुनाव मैदान में कूदना। 1980 में वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विजयी रहे। 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा विधायक बने। अब श्रीकांत की अन्य डिग्रियां या अन्य पढ़ाइयों की बात करते हैं। उन्होंने LLM यानी कि इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर DBM और MBA किया। बात यही नहीं रुकी, श्रीकांत ने पत्रकारिता की भी पढ़ाई की, बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट की डिग्री हासिल की, फिर संस्कृत में डिलेट हासिल किया, जो किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे उच्च डिग्री होती है। उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, साहित्य, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और मनोविज्ञान में भी MA किया था। गौरतलब बात यह है कि उन्होंने ये सारी डिग्रियां मेरिट में रहकर के हासिल की। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार गोल्ड मेडल मिले। 1973 से लेकर 1990 तक उन्होंने 42 यूनिवर्सिटियों में एग्जाम दिए थे। श्रीकांत यहीं नहीं रुके, वो महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मंत्री भी बने। उनके पास उस समय 14 विभाग थे। वहां उन्होंने 1982 से 85 तक काम किया। इसके अगले साल यानी कि 1986 में वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। यहां पर 1992 तक रहे। 1992 से 1998 के बीच वो राज्यसभा में भी रहे। जब 1999 में डॉक्टर जिचकर राज्यसभा का चुनाव हार गए तो उन्होंने अपना फोकस यात्राओं पर केंद्रित किया। वो देश के कई हिस्सों में गए और वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म के बारे में भाषण देते रहे। उन्होंने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीकांत के पास देश की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिसमें 52,000 से ज्यादा किताबें थी। डॉक्टर जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर शुमार हुआ। जिचकर एक अकादमिक पेंटर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर और स्टेज एक्टर थे। उन्होंने 1992 में एक स्कूल की स्थापना की। अपनी उम्र में के बाद में उन्होंने अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की और उसके चांसलर बने। इस प्रतिभाशाली शख्स का जल्द ही देहांत हो गया। 2 जून 2004 की रात एक हादसे में 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हापुड़ हलचल।